हेलो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मंडला आर्ट टेराकोटा प्लेट्स में। सबसे पहले मैंने ग्रिड्स बना लिया है, और ग्रिड्स कैसे बनाते हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। टेराकोटा प्लेट्स में आप मंडला आर्ट बना के होम डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मंडला आर्ट बनाने के लिए मैं आज यूज़ करूँगी मिरर्स। डिफरेंट शेप्स का मिरर आपको मिल जाएंगे अमेजोन में। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्क्वायर मिरर्स। फेबिकॉल के यूज़ से मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है मिरर को। अभी नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यूनिपोस का पेन से, जो एक मेटेलिक पेन होता है ऐसे प्लेट्स में बनाने के लिए। सिल्वर कलर का यूज़ किया है मैंने, उसके यूज़ से मैंने यहाँ पर पैटर्न्स बनाया है। सो ऐसे हम एक एक ग्रिड को छोड़ के हम पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न्स आपके हिसाब से बनाएं, आपको जैसे अच्छा लगे। ये वाला पेन बेसिकली एक्रिलिक पेन्स होते हैं, जो आपको प्लेट्स या क्रॉकरीज में आप यूज़ कर सकते हैं कुछ डिज़ाइन या मंडालास बनाने के लिए। और ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे, जैसे जो आपको कलर चाहिए वैसा कलर आपको मिलेंगे अमेजोन में। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये टेराकोटा प्लेट्स है, सो मैंने यूज़ किया है सिल्वर कलर का। सो ऐसे टेराकोटा प्लेट्स में आप गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हो आर्ट बनाने के लिए या डिज़ाइन। अभी मैं बना रही हूँ थर्ड वाले ग्रिड में पैटर्न। सो मैंने पहले पेंसिल से थोड़ा आउटलाइन बना लिया है, ताकि ये पैटर्न्स ग्रिड के बाहर ना जाए। सो ऐसे आप ग्रिड लाइंस में बनाते रहे आपके पैटर्न्स, सो खुद ब खुद मंडाला बन जाएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिज़ाइन पैटर्न के पैटर्न्स या डिज़ाइन शेप्स के अंदर में। सो एक एक ग्रिड में एक ही डिज़ाइन कंटिन्यू होगा। फेबिकॉल के यूज़ से फिर से हम मिरर्स को स्टिक करेंगे। दो से चार ग्रिड लाइंस को छोड़ छोड़ के मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ एंड मिरर्स को स्टिक कर रही हूँ यहाँ पे एक एक करके। अभी जो बीच में मैंने 5 से 4 ग्रिड लाइन छोड़े थे, वहाँ पे मैं फिर से पैटर्न बनाऊंगी। सो ये देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ यहाँ पे पैटर्न एंड शेप्स एंड डिज़ाइन एक एक मिरर का ग्रिड लाइन जो मैंने छोड़ा था। अभी मैं मिरर का ऊपर से और एक डिज़ाइन कर रही हूँ, ताकि ये और थोड़ा ब्राइट लगे। एंड जो मैंने बीच में एक पैटर्न बनाए थे, उसके दोनों के बीच में और एक छोटा सा मैंने पैटर्न बनाया है। सो ये लास्ट पैटर्न है
इस टेराकोटा प्लेट्स में। सो आज का वीडियो में मैं दो प्लेट आप लोग को सिखाऊंगी। ये वाला फर्स्ट प्लेट बन गया है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको ये फर्स्ट वाला प्लेट का डिज़ाइन कैसा लगा। चलिए अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले प्लेट में। फिर से सेम ही तरीके से मैंने ग्रिड्स बनाए हैं और मिरर को स्टिक कर दिया है फेविकॉल से। ग्रिड लाइंस भी मैंने बना लिए हैं और यूनिपोस का सिल्वर कलर वाला पेन से फिर से मैं पैटर्न बना रही हूँ। प्लीज़ आप ये वाला लास्ट तक देखिए, ये वाला प्लेट का डिज़ाइन, क्योंकि ये वाला प्लेट डिटेल्ड होगा एंड फुल डिटेल एंड इंट्रीगेट मंडला होगा। सो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अभी मैं थर्ड वाला ग्रिड लाइन से बनाऊंगी जो पैटर्न्स, वो वाला पैटर्न्स मैं डबल डबल करके बना रही हूँ। आप देखिए कैसे मैं डबल करके बना रही हूँ। इसका रीज़न है ताकि और एक मंडाला नेक्स्ट वाले मंडाले से मिक्स ना हो जाए। सो मैंने ऐसे डबल डबल करके बनाया है ताकि डिज़ाइन मिक्स ना हो जाए। जैसे कि मैंने बोला था, ये वाला मंडाला इंट्रीगेट मंडाला है एंड डिटेल्ड मंडाला है। सो इसलिए सब कुछ कॉम्बाइन ना हो जाए डिज़ाइंस, इसलिए मैं डबल डबल करके बना रही हूँ। फिर उसके अंदर में हम डिज़ाइन करेंगे। सो ग्रिड वाइज पैटर्न बन गया है फुल। सो चलिए अभी हम पैटर्न्स का अंदर में डिज़ाइन करते हैं। सो एक का डिज़ाइन एक के साथ सेम होना नहीं चाहिए। सो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन किया है एक एक ग्रिड्स के अंदर में। सो आप लोग प्लीज़ देखिए। सो मैंने आप लोग को बोला था कि एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन ग्रिड्स के अंदर में सेम नहीं होने चाहिए। सो आप देख रहे हैं मैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न्स बना रही हूँ एक एक शेप्स के अंदर में। सो आप भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाइए अपने मंडालास में, एंड जब आप मंडालास बनाएँ तब भी आप ऐसे डिफरेंट शेप्स एंड डिज़ाइन बनाएँ एक एक ग्रिड्स के अंदर में। एंड
एंड अगर आपको डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स नहीं आते होंगे तो आप मेरे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में मेरे पैटर्न्स को देख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दे रही हूँ एंड आप भी ऐसे टाइप में पैटर्न्स बनाएं। सो लास्ट अभी हम स्टिक करेंगे मिरर्स को। सो फेविकॉल के यूज़ से फिर से हम ऐसे एक एक मंडालास के शेप्स के बीच 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 में हम मिरर्स को एक एक करके स्टिक करेंगे। सो ये देख रहे हैं मैं कैसे एक एक मंडालास के बीच में मिरर्स को स्टिक कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने मिरर्स का यूज़ किया है ताकि ये मैंने बोला ही था होम डेकोर के लिए आप ऐसे टाइप का प्लेट्स लगा सकते हैं अपने अपने रूम्स में एंड ताकि ये ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगे। सो इसलिए मैंने मिरर्स का यूज़ किया है। सो आप देख ही रहे हैं कि मिरर्स से कितना ज़्यादा ये मंडाला का ग्लो हो गया है। सो मिरर से ज़्यादा डिटेल लगता है ये वाला आर्टवर्क। यहाँ पे कंप्लीट होता है दोनों प्लेट में आर्टवर्क। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन सा वाला प्लेट आप लोग को अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा एंड अगर यहाँ तक देख ही लिया है लाइक करके जाइए एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड बेल आइकन को प्लीज़ दबा लीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।